नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर, एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पर। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले जानें आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह पौष कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा सुबह 9:57 तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया लग जाएगी। योग शुभ योग है सुबह 11:59 तक, इसके उपरांत शुक्ल योग लग जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12:00 तक रहेगा, इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। वार शुक्रवार है और दिशाशूल पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। और यदि कोई बहुत इमरजेंसी है तो जूस का दान करके ही निकलिए। तो यह है आज का पंचांग। अब दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के राशिफल का, तो आइए जानते हैं शशि जी से पहली चार राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है, अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हुए काम करते चलिए, आज आपके कार्य बनने वाले हैं। अलर्ट रहना है कि अनावश्यक क्रोध से आपकी ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए फोकस है, आज आर्थिक परेशानियों के चलते मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन धैर्य का दामन थामे रहिएगा। अलर्ट रहना है कि महिलाओं को हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है, आज गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और ये देखते चलिए कि गलतियां दोबारा भी ना हो। अलर्ट रहना है कि आज के दिन अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, वरना कुछ चोट चपेट लग सकती है। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है, आज कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा आपके भीतर होगी और लक्ष्य साधकर अगर आप काम करेंगे तो आप लाभान्वित भी होंगे। अलर्ट रहना है कि यदि आपको कई दिनों से आंखों में कोई दिक्कत है तो अपना ध्यान रखिए। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल, कहां पर करना है फोकस और कहां पर रहना है आपको अलर्ट, ये जाना। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में खास विषय पर चर्चा करने का, तो आइए जानते हैं शशि जी से कुंभ राशि वाले कैसे करें नए साल की प्लानिंग, कैसा रहेगा साल 2020। दर्शकों, आज बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए कि 2020 कैसा होगा, किस तरीके से प्लान करना है। कुंभ वालों के लिए जो ये वर्ष होगा 2020, उसमें सारा फोकस प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली वर्क नहीं करना होगा। यानी सारा काम जो टारगेट होगा आपका, वो कैसे लाभ कमाया जाए, कैसे अपने कैरियर को इस्टेब्लिश किया जाए। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको ध्यान रखना होगा कि कैरियर के लिए, यानी कैसे लाभ उनके लिए लाभ है, उनके नंबर्स, उनके परसेंटेज, अगर प्रतियोगी हैं तो कंपटीशन में सफलता, ये उनके लिए लाभ है। गृहिणियों के लिए लाभ है कि अगर गृहस्थ हैं घर में हैं तो घर कैसे आगे डेवलप हो, घर कैसे बने, ये एक लाभ है। जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो कैरियर में लाभ है ही है। देखिए, तो पूरा ये जो फोकस है वो लाभ है। और कुंभ का जो सबसे खास बात है, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी जिसमें हम संग्रह करते हैं, यानी कमाना है और संग्रह करना है, यानी डेस्टिनी से कुछ संग्रह करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसलिए बस मेहनत करनी है, पूरा फोकस करना है। मकर संक्रांति पर थोड़ा सा दान करना है, कोई खिचड़ी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, कोई भी जरूरतमंद है आपकी निगाह में है, खाने को कोई दिक्कत है किसी को, तो उसको आप दान करिए। वो जो शुभकामनाएं हैं, वो जो आशीर्वाद लेके जो प्रारंभ होगा, वो शनि देव बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके स्वामी हैं शनि, और शनि के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप जो मकर संक्रांति है, मकर राशि जो होती है वो शनि का घर है, मकर घर है यानी, और वहाँ पर सूर्य का प्रवेश यानी पुत्र के घर में पिता का प्रवेश,
दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, कुछ टेक्निकल जो लोग लॉ से संबंधित हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, न्यायाधीश हैं या PCSJ की तैयारी कर रहे हैं या न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यानी गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो लीगली बहुत प्रॉफिट देगा। वहीं एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर लॉ से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी कानून के फंदे में फंसे हुए हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी उनके लिए शुभ समाचार मिलेगा। इस वर्ष मुकदमे से आप मुक्त हो जाएंगे। कोई विवाद है तो उसमें आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी। मई तक चीज़ें आपको प्रोफेशनल तो रखना ही है। मई से लेकर सितंबर के बीच में जो काम बहुत स्मूथली चल रहे थे, अब आपको वर्क ज़्यादा करना होगा, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और उसके पीछे कारण ये है कि कुछ बॉस में बदलाव हो सकता है, आपके पास कोई नया बॉस आ सकते हैं या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ आपको नए बॉस मिलेंगे जहाँ पर आपको अपना जो टैलेंट है उसको दिखाना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये समझना है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पेचीदी नहीं है, प्रोफेशनली तरीके से इस महीने में काम करना है। मई से लेकर सितंबर के बीच में ज़्यादा काम करना है और इस बीच में हो सकता है कि आपको मजा ना आए, चीज़ें बहुत मन मुताबिक ना चले, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धैर्य के साथ आप करते चलिएगा। ये एक पैच जो आएगा ये ईश्वरीय ऑडिट होगा, ईश्वरीय धैर्य चेक करेंगे। और आपने सितंबर जैसे ही आधा क्रॉस कर पाएंगे आपको शुभ समाचार मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद एंड तक काफ़ी अच्छा है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो इस वर्ष के अंत में कोई बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हैं, मकान, वाहन, कोई शॉप, कोई ऑफिस, कहीं आपका कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के विवाह के लिए भी वो खर्चा संभावित हो सकता है। इसके अलावा जो इनकम पर फोकस तो है लेकिन इनकम जो आपको कराने वाले प्लैनेट हैं, जो आपके लिए इनकम और बैंक, ये दोनों ही के लॉर्ड जुपिटर यानी गुरु की कृपा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इनकी कृपा से आपको काफ़ी लाभ होगा। प्रमोशन अगर आपका ड्यू है तो वो भी आपको मिलेगा। साथ ही ध्यान ये रखना है कि मार्च में, जैसे ही मार्च आएगा, आपको कुछ तीर्थ यात्रा करने का विचार आना शुरू होगा, कुछ दान पुण्य करने का विचार आएगा। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि मार्च से लेकर और मई तक अगर आपके मन में किसी के लिए मदद करने का भाव आता है तो इसको ईश्वर के द्वारा भेजा गया संदेश समझिएगा, बिल्कुल मदद करिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा सूचना मिलती है, व्यक्ति टकराता है कि उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई छूट चुकी है, तो ध्यान रखिएगा कि उसको ज़रूर उसका एडमिशन कराइए, फीस अपने पास से दे दीजिए, बुक्स दिला दीजिए। थोड़ा सा आर्थिक भार अगर आप ले लेंगे तो इसके एवज में देवगुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद मिलेगा, तो जितना धन आप देंगे इससे 10 गुना वो कमवा देंगे आपको, आपको कहीं और से लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको प्लान करना होगा। मई से लेकर जून के बीच में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि लाभ मिलेगा लेकिन खर्चे कुछ बढ़ जाएंगे, और ये खर्चे ऐसे होंगे जो धार्मिक यात्राओं में खर्च हो, कोई बहुत पॉजिटिव काम में खर्च हो, किसी गरीब कन्या के विवाह में खर्च हो, तो बिल्कुल यात्रा का प्लान बनाइएगा। और जितने जलीय स्थान हैं, गंगा तट के किनारे वाले तीर्थ हैं, इनको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जो राहु केतु की जो एक्सेस होगी उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ये समझनी है कि सुख में थोड़ा सा बाधा रहेगी। वो बाधा बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, वो कुछ समय ही रहेगी, लेकिन इसमें जो सुख की जो बाधा है इसको नेगेटिव मत समझिएगा। सुख की बाधा का अर्थ है कि कैरियर का ग्राफ बढ़ेगा, यानी आपको ऑफिशियल यात्राएं करनी पड़ेंगी, तो निश्चित रूप से सुख का अर्थ है घर में आपको कम रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ संयोग बनेगा कि घर में ऑफिस से आप लेट आएंगे,
जल्दी जाना पड़ेगा, कुछ मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप व्यापार करते हैं तो कारोबार के सिलसिले में जाना पड़ेगा, विद्यार्थी हैं तो हो सकता है किसी दूसरे शहर पढ़ाई के लिए तपस्या करने जाना पड़े। तो कुल मिला के जो घर का सुख है उससे कुछ न्यूनता रहेगी, उससे आप वंचित हो सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले से ही मेंटली फ्रेम बन जाता है तो कई चीज़ें आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सितंबर के बाद, अगस्त आप मान लीजिए, अगस्त के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। साथ ही समझना है कि मानसिक रूप से बहुत नए नए आइडिया आपके पास आएंगे, वो जो आइडिया होंगे वो आपको ऑफिशियली ग्रोथ के लिए बहुत मददगार होंगे, यानी तरह तरह के आइडिया, वो आइडिया आपको सब देना है, उसको प्रेजेंटेशन बनाना है, जो विचार आएंगे उनको आपको कंसीव कराना है, उसको क्रियान्वयन करना है, आपकी जो टीम वर्क है वो टीम वर्क में भी बहुत लाभ होगा, अच्छे हैंड्स जुड़ेंगे। बस इसी इक्वेशन का जो एक नेगेटिव पार्ट अगर दिखाई दे रहा है तो वो पार्ट है संतान जो है वो थोड़ा सा बैड हैबिट सीख सकती है। बच्चा कहीं जा रहा है, कहीं मित्र हैं, कहीं भी पढ़ने जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो संगत है वो बहुत अच्छी रहे। अपशब्द बोलने लगते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ, क्योंकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो हम लेंगे लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ना मिले, इसके लिए थोड़ा सा अगर अलर्ट रहेंगे तो चीज़ें सब बहुत अच्छी रहेंगी। इस तरीके से 2020 को प्लान करना चाहिए। तो ये थी वो खास बातें जो कुंभ राशि वालों के लिए शशि जी ने बताई। अब वक्त हो चला है दर्शकों कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब का। आपको बता दें, आपका कोई सवाल, आपकी कोई समस्या जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपना सवाल अपने डिटेल्स के साथ हमें ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ दर्शकों आप वीडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं, हमारी डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसका है सवाल और क्या है। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं सिवान की रहने वाली हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1993 है और टाइमिंग दोपहर के 1:05 है और स्थान सिवान बिहार है। मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन कर चुकी हूँ, मेरी किडनी से संबंधित परेशानियाँ थी जिनके उपाय आपने मुझे बताए थे महामृत्युंजय के एक माला जाप करने के लिए। क्या ये माला अभी भी और मुझे इससे लाभ भी है, तो क्या मैं ये करती रहूं या अगली कोई उपाय और आप बताएंगे। दीक्षा कुमारी जी का प्रश्न है, पहले भी इनका प्रश्न आ चुका है, इनको किडनी से संबंधित कुछ समस्या थी, उपाय किया, लाभ हुआ, आगे क्या करना है। देखिए दीक्षा जी, धनु लग्न है, मिथुन राशि है, किडनी से संबंधित आपको दिक्कत थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और आप ये तय जान लीजिए कि पूर्णतः आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी सुधार में लापरवाही, सुधार होने के कारण लापरवाही नहीं करनी है आपको। 31 मार्च से 31 जून के बीच में एक ये पीरियड ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कुछ तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सजगता के साथ वो निगेटिव टाइम पर कोई भी हेल्थ संबंधित दिक्कत ना आए, किसी और डायमेंशन में आ सकती है। अब इसके दो डायमेंशन हैं कि एक तो स्वास्थ्य संबंधित, एक अननोन फियर, कई तरीके के टेस्ट हों, लेकिन चिंता न करिएगा, टेस्ट में कुछ भी निगेटिव नहीं निकलेगा। उपाय, अभी महामृत्युंजय का जो आप जाप कर रही हैं उसको बिल्कुल जारी रखिए, इसको भी बिल्कुल बंद नहीं करना है, और जब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, और मेरी तो राय ये रहेगी कि आप इसको आजीवन करिए। देखिए, एक माला करने में बहुत कम समय लगता है, ये एक स्पिरिचुअली टॉनिक है, शिव की उपासना है, सदैव स्वस्थ रहिए, तो इसके लिए 5 मिनट का समय निकाला जा सकता है, तो इसको आप नियमित जारी रखिए। और अभी थोड़ा सा आपको सुधार जो हुआ है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा निगेटिव, कुछ बहुत लापरवाह मत हो जाइएगा बस। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बाकी बची राशियों का राशिफल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बाकी बची राशियों का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो है आशुतोष यादव का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1989। समय है सुबह 5 बजे। जन्मस्थान है मैनपुरी। सवाल इनका यह है कि इनके परिवार में और इनकी पत्नी के परिवार के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी के साथ भी संबंध ठीक नहीं है, कुछ उपाय बताएं। आशुतोष जी का प्रश्न है, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी तनाव चल रहा है, परिवार के बीच में भी तनाव है। देखिए आशुतोष जी, जीवन साथी की भी कुंडली होनी चाहिए, वो आपने नहीं भेजी, लेकिन मैं आपकी कुंडली से ही अवलोकन कर रहा हूँ। तो ये कर्क लग्न है और कन्या राशि है, और कुटुंब के घर में, जो परिवार के घर में थोड़ा फायरी स्थिति चल रही है, यानी अग्नि तत्व ज़्यादा हैं, दशा भी है। आपको देखिए कुछ उपाय, देखिए आपको करने हैं क्योंकि आपकी कुंडली है, इसलिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि वाणी से आप बहुत मधुर हो जाइए। कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी लग रही है कि कई बार ना चाहते हुए आपके इंटेंशन को, हो सकता है सामने वाला ना समझे, आपके अधिकारपूर्ण प्रेम को व्यक्ति अहंकार समझ सकता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहिए, विनम्रता के साथ बोलिए, ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपका वाचा पाप जनित हो, यानी कोई वाणी से आप कुछ पाप करें। उपाय में आपको केवल रामचरितमानस का पाठ घर में प्रारंभ करना है, मास पारायण कर सकते हैं, उसमें एक विश्राम बने होते हैं, 30 दिन में पूरा रामचरितमानस हो जाती है, या आप जितनी आपकी स्वेच्छा हो वो चौपाई पढ़िए, घर में सभी लोग पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है वहाँ इस तरीके की कोई भी दिक्कतें धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आशुतोष जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि वक्त हो चला है अगली चार राशियों के राशिफल का। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, आपको लोगों के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाना होगा, टीम वर्क के साथ काम करना होगा, अलर्ट रहना है कि दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला आज नहीं लेना है। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, आज सभी जगह से आपको डिफोकस करते हुए केवल काम पर लगाना है, यही ग्रहों की स्थिति भी कह रही है। अलर्ट रहना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप चिकनाई खाते हैं तो उसे कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों में आज आपको कुछ हिस्सा अवश्य लेना चाहिए। अलर्ट रहना है कि गलत संगत आपके लिए तनाव हो सकता है, नशे से संबंधित लोगों से दूर रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, आज घर से सारे पेंडिंग काम निपटाने के संकल्प के साथ निकलिएगा, ऑफिस में जो भी पेंडिंग काम है उसको आज समाप्त करना है। अलर्ट रहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आज के हमारे तीसरे सवाल का, और आज का हमारा तीसरा सवाल है फाल्गुनी पटेल का। डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1988। समय है शाम 6:15। जन्मस्थान है सूरत। सवाल है इनका कि इनकी शादी कब तक होगी। फाल्गुनी जी का प्रश्न है, विवाह कब तक होगा, वृक लग्न है और धनु राशि और राहु की दशा चल रही। देखिए फाल्गुनी जी, विवाह का जो समय है वो लगातार चल रहा है, कुछ कारण है जिसके कारण से विवाह विलंब है, लेकिन अब उसका भी समय समाप्त हो रहा है। तो ये अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में आपके विवाह का योग प्रबल बनेगा, गुरु की कृपा मिलेगी। उपाय में आप केवल
बृहस्पति का व्रत रखिए, बृहस्पति की कथा पढ़िए, पीले वस्त्र धारण करिए उस दिन, और केसर का या हल्दी का एक तिलक लगा लीजिए। गुरु से संबंधित एक्टिविटी करनी है, आपका विवाह 2020 के अंत तक पूरी संभावनाएं हैं कि हो जाएगा। तो फाल्गुनी जी के सवाल का जवाब जानने के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। वक्त है बाकी बची 4 राशियों का राशिफल जानने का। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों की लेन देन को लेके थोड़ी पारदर्शिता रखनी होगी, एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। अलर्ट रहना है कि आज वाहन को चेक करके ही निकले, अन्यथा वाहन खराब हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें आज माल का स्टॉक करना चाहिए, यानी अपने जो उत्पाद हैं उनका संग्रह करना चाहिए। अलर्ट रहना है कि स्लिप करके गिर सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, शॉपिंग का अगर मूड है, कुछ प्लान बना रहे हैं तो आज अवश्य कर सकते हैं। और बस ध्यान रखिएगा कि कुछ अपने पूजा घर के लिए कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य खरीद लीजिएगा। अलर्ट रहना है कि घर में फायर सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान देना होगा, अग्नि दुर्घटना को लेकर सचेत रहना होगा। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, आज मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं और उस यात्रा में कुछ नए प्रोजेक्टों की भी नींव पड़ेगी। अलर्ट रहना है कि व्यापारी वर्ग को बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी पर अनावश्यक रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये था बाकी बची 4 राशियों का राशिफल। अब वक्त है आज के चौथे यानी कि आखिरी सवाल का। तो आज का हमारा चौथा और आखिरी सवाल है जयंत कुमार का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1987, समय है रात 12 बजे, जन्म स्थान है जमशेदपुर। सवाल है इनका कि इनके हर काम में बहुत अड़चन आती है, बहुत परेशानियां इस वक्त चल रही हैं, कुछ उपाय बताएं। जयंत जी का प्रश्न है कि जीवन में कई तरीके की परेशानियां हैं। देखिए, मेष लग्न है, मेष राशि है, देवगुरु बृहस्पति की पूरी कृपा है, कुंडली काफ़ी मजबूत है, दशा भी ठीक चल रही है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, ये सभी के जीवन में, लेकिन जो एग्जैक्ट क्या प्रश्न है ये थोड़ा सा क्लियर लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आपके प्रश्न को समझते हुए जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो गुरु की कृपा है, आपकी कुंडली देखकर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत रहेंगी हमेशा, ये कम नहीं होगी। तो जिम्मेदारी और भार का अंतर समझ के रखिएगा, कई तरीके की लाइबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, तो इसलिए कर्ज कम लीजिएगा। और परिवार की जो जिम्मेदारी है, और आपकी कुंडली में सबसे खास बात यह है कि केवल एक आपका ही परिवार नहीं, आप किसी की भी मदद के लिए, आप अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं, किसी के बच्चे की जिम्मेदारी आ सकती है, तो ये आपका सौभाग्य है, इसको भार मत समझिएगा। तो चीज़ें सब धीरे धीरे ठीक रहेंगी, कोई बहुत खराब स्थिति नहीं चल रही है। उपाय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करिए खड़े होके, प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं मंगलवार का, अन्यथा आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालिएगा, हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं जयंत जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब कार्यक्रम के आखिर में वक्त हो चला है आज की काम की बात का। आइए जानते हैं शशि जी से आज कौन सी अनमोल काम की बात वो हमें बताने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो इस वर्ष आपको जो प्लैनेट जिसको कंट्रोल करना है वो है सूर्य नारायण, ग्रहों के राजा। ग्रहों के राजा अगर प्रसन्न हो गए और वो हर महीने एक एक राशि में जाएंगे, राजा का हर राशि में प्रवेश होगा तो उसका असर रहेगा, वो अच्छा फल दें, हमेशा कृपा बरसाएं। इसके लिए आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रखना है। एक वाइट डायल की घड़ी पहन लीजिए, डायल ब्लैक ना हो, वाइट डायल हो, वाइट डायल की घड़ी पहनिए, समय पर चलिए,
समय पर आइए, समय बर्बाद मत करिए। टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट। तो इसलिए समय को पकड़ के चलिए, उसको वो बहुत अनमोल है। समय सेव नहीं किया जा सकता, समय का सदुपयोग किया जा सकता है या दुरुपयोग किया जा सकता है। तो आप सदुपयोग करिए, सूर्य भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ दर्शकों, आज का राशिफल हमने जाना, साथ ही साथ हमने जाना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला साल। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। लेकिन जाते जाते एक अहम जानकारी आप सभी के लिए कि अगर अभी तक आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पहचान बन चुका एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल नहीं देख पा रहे थे तो आज से आप देख सकते हैं, क्योंकि अब एबीपी गंगा उपलब्ध है फ्री डिश पर भी, जिसे आसानी से आप ट्यून कर देख सकते हैं।